हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमारी शर्मा आज फिर आपके सामने आए हूँ आपके करियर के बारे में बात करने के लिए। अगर आप फैशन डिजाइनिंग या टेलरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, इसके बारे में मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो मैं एक एक टॉपिक करके आपको इसमें बताती जाऊंगी। और हर एक टॉपिक के बारे में हम अलग अलग वीडियोज भी आपको जरूर सेंड करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये रिक्वायरमेंट आपको करियर बनाने के लिए क्या क्या है उसके बारे में मैं बताती हूँ। पैटर्न मेकिंग एंड टेलरिंग के बारे में जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको जो चाहिए एक ड्राफ्टिंग का नोटबुक चाहिए। ड्राफ्टिंग नोटबुक है जो मैंने आपको टूल्स किट वाला एक वीडियो है जिसमें आपको दिखाया हुआ है कि ये एक ग्राफ पेपर के जैसा बुक होता है। एक साइड में ग्राफ पेपर होगा या प्लेन पेपर होगा और दूसरी साइड में लाइंस होगा। तो प्लेन साइड में आप ड्राफ्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और दूसरी साइड में उसका कंस्ट्रक्शन और उसका पूरा डिटेल लिखेंगे। तो ये ड्राफ्टिंग नोटबुक होना आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी तैयारी करने के पहले रिटन वर्क आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट है ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर हम यूज करते हैं, हम जब भी आपको टेलरिंग सिखाते हैं तो आपको डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करना नहीं सिखाते हैं। पहले आप ब्राउन पेपर पे उसके फुल साइज में डायग्राम बनाते हैं, जो भी करेक्शन करनी होती है, जो भी उसमें रेक्टिफाई करना है, पैटर्न ऐड करना है, जो भी डिटेल्स हैं वो ब्राउन पेपर के ऊपर किया जाता है। ब्राउन पेपर कट करके फिर आप उसको कपड़े के ऊपर लेआउट करते हैं, फिर हम कपड़ा कटिंग करना आपको सिखाते हैं। तो इसमें आपके कपड़े की मिनिमम वेस्टेज होती है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ब्राउन पेपर यूज करना बहुत जरूरी है। तो आपका ये टेलरिंग के शुरू करने के लिए आपको ये चीजें जो चाहिए। उसके अलावा है स्विंग मटेरियल एंड टूल किट। ये एक वीडियो मैंने आपको रिसेंटली अपलोड करके दिया है जिसमें सिलाई के लिए टूल्स कौन कौन से चाहिए, जिसमें ड्राफ्टिंग के टूल्स हैं, कटिंग के टूल्स हैं और स्टिचिंग के टूल्स हैं। ये पूरा किट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। और आप उस सब के लिए पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये मत भूलिए, और आप हमें मैसेज जरूर कीजिए। टूल किट के बारे में आप वो वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड है फोल्डर। फोल्डर आपके लिए बहुत जरूरी है। एक फोल्डर रहेगा जिसमें आपके कुछ पाउच रहेंगे, जिसमें जितने भी आप ब्राउन पेपर के ऊपर कटिंग थ्रेडी करेंगे, जो आपके खाका स्क्वायर बनेंगे, तो वो आप स्टोर कर सकते हैं आपके फोल्डर के अंदर, ताकि उसको जब भी आपको दोबारा जरूरत पड़े आप उसको रेफर कर सकें, आप उसको बार बार यूज कर सकें। नेक्स्ट है रजिस्टर। एक रजिस्टर होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर में जितनी भी डिटेल चाहिए वो आप उसमें नोट कर सकते हैं। आप डेट लिखिए, क्लाइंट का नाम लिखिए, उसका डिटेल लिखिए और उसकी मेजरमेंट्स लिखिए, ये सब रजिस्टर में होना बहुत जरूरी है। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपको चाहिए अगर जब भी आप ड्राफ्टिंग करेंगे, जब आप पैटर्न करते हैं कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है आपको ड्राफ्टिंग के टाइम पे, तो उसके लिए अगर आपको टेबल्स नहीं आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह के लिए, तो आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी, तो आप उसको आसान से कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉलेज अबाउट बॉडी मेजरमेंट्स। बॉडी मेजरमेंट्स जो है वो लेना आना बहुत जरूरी है। जब आप प्रॉपरली बॉडी मेजरमेंट ले सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, तो आपका कटिंग और ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा से होता है, आपका फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसके लिए भी हमने एक वीडियो डिटेल में अपलोड किया हुआ है, आप वो हमारी वीडियो रेफर कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कुछ और आपको बॉडी मेजरमेंट्स के बारे में बताया जाए, तो आप हमें जरूर मैसेज कीजिए। नॉलेज अबाउट बॉडी टाइप्स। बॉडी टाइप्स जो है, हर एक इंसान की बॉडी अलग होती है। आपको देखने में जितने भी आपको क्लाइंट्स आएंगे आपके पास या जितने भी लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, तो हर एक की बॉडी बहुत अलग है। शोल्डर ही फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं, किसी के स्टूपिंग शोल्डर होते हैं, किसी के स्क्वायर शोल्डर है, किसी के राउंड शोल्डर है, किसी की बॉडी थिन है, टॉल है, स्टाउट है, फैट है, शॉर्ट है, तो अलग अलग टाइप की बॉडी आपको मिलेगी। एक ही मेजरमेंट है कई जिनके बॉडी के ऊपर, वो अलग अलग लुक देगा। किसी की बॉडी फ्लैट है, किसी की राउंड बॉडी है, तो बॉडी को स्टडी करना, उसको समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो बहुत ही अच्छे टेलर्स होते हैं वो क्लाइंट को देखते ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी बॉडी कैसी है, उसके हिसाब से उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस करनी होती है उन्होंने ड्राफ्टिंग के टाइम में, वो आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। नॉलेज अबाउट फैब्रिक। कपड़े के बारे में जानकारी, क्योंकि आप कपड़े से ही डील कर रहे हैं, तो कपड़े की जानकारी तो आपको होना बहुत ही जरूरी है। कपड़े के टाइप कैसे होते हैं, कपड़ा साटिन है, कॉटन है, सिल्क है, स्ट्रेच फैब्रिक है, स्टिफ फैब्रिक है, सॉफ्ट फ्लो है, शिफॉन है,
तो कपड़े की फॉल कैसी है, कपड़े की फील कैसी है, वो स्टिफ है या बिल्कुल ही सॉफ्ट फ्लोइंग फैब्रिक है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके टेक्सचर के बारे में पता होना चाहिए, रफ टेक्सचर है या स्मूथ टेक्सचर है, कौन सी बॉडी टाइप के ऊपर कौन सा टेक्सचर अच्छा लगेगा, बॉडी थिन है तो कैसा टेक्सचर चाहिए, फैट बॉडी है तो कैसा टेक्सचर चाहिए, क्या सूट करेगा। तो ये आप एक तरह से आप फैशन फील्ड में आप एक डॉक्टर के जैसा, एक काउंसलर के जैसा काम भी करते हैं, जो क्लाइंट को देखते ही आप समझ जाते हैं कि क्लाइंट के ऊपर कौन सा फैशन सूट करेगा, कौन सा स्टाइल सूट करेगा, कौन सा प्रिंट सूट करेगा, कौन सा कलर सूट करेगा। आप उसको काउंसल भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो आपके क्लाइंट आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो नॉलेज अबाउट कलर कॉम्बिनेशंस, कलर कॉम्बिनेशन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको कलर ही अट्रैक्ट करता है। जब भी आप कोई गारमेंट देखते हैं या कहीं भी आप विंडो शॉपिंग भी करते हैं या कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, सबसे पहले आपको कलर अट्रैक्ट करता है। कलर के साथ कॉम्बिनेशन आपने कैसे करना है, डार्क कलर्स हैं, लाइट कलर्स हैं, ग्रे कलर्स हैं, पेस्टल्स हैं, ये सारे कलर्स की नॉलेज होनी आपको बहुत जरूरी है और उनको आपने कैसे कंबाइन करना है ताकि एक बहुत ही अट्रैक्टिव एक आउटफिट रेडी हो सके। फैशन ट्रेंड्स जो है, अगर आप एज ए डिजाइनर काम कर रहे हैं तो आपको लेटेस्ट फैशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर तो आप टेलर हैं तो क्लाइंट आएगा आपको बोलेगा ऐसा सिल दो, आप आराम से उसको सिल के दे देंगे, आप उसको नए भी गाइड करेंगे तो चलेगा। लेकिन आप एज ए डिजाइनर काम कर रहे हैं तो आपको फैशन के नए नए फैशन जो चेंज हो रहे हैं, जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, जो आने वाले हैं, उनके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए आपको, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को अच्छा से गाइड कर सके कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है और उसके बारे में आप अपने आप को भी अपडेट कर सके, आप नए नए टेक्निक सीख सके ताकि नए फैशन के गारमेंट्स आप रेडी कर सके। नेक्स्ट है होलसेल एंड रिटेल मार्केट रेट्स। तो आप जब भी अपने पास फैब्रिक भी अगर रखते हैं आपके स्टोर में या आपके बुटीक में फैब्रिक भी रखते हैं, तो आपको रिटेल और होलसेल मार्केट के जो रेट हैं उनका डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप कॉस्टिंग और बजटिंग अच्छा से कर सकें, प्रॉफिट आपने कैसा निकालना है, कितने परसेंटेज निकालना है, उसके हिसाब से उसको कर सकें। क्योंकि डिफरेंस जो है वो पता होना तो जरूरी है, ताकि आप जब भी परचेज करेंगे तो रिटेल का रेट ना लें, आप होलसेल से ही परचेज करें ताकि आप कुछ सेविंग भी कर सकें उसमें। सोर्सिंग फैब्रिक एंड एक्सेसरीज, आपने जब फैब्रिक सोर्स करना है, क्योंकि जब आपको होलसेल की मार्केट का पता है, अलग अलग स्टोर्स का पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने फैब्रिक कहाँ से लेना है, अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक आपको कौन सप्लाई करेगा और अच्छा रेट आपको कौन देगा। एक्सेसरीज जो होती हैं वो जैसे कोई भी गारमेंट आप रेडी करते हैं तो उसके ऊपर आपने एम्ब्रॉयडरी करनी है या कोई पैच लगाना है या बटन्स है, लेसिस है, फ्रिल्स है, जो भी चीजें आपने उसको यूज करनी है सरफेस ऑर्नामेंटेशन के लिए, तो वो एक्सेसरीज हैं। वो आपने कहाँ से सोर्स करनी है, कौन सप्लायर अच्छा है और कौन रीजनेबल रेट आपको देता है, तो वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। कॉस्टिंग एंड बजटिंग, क्योंकि आपको फैब्रिक के बारे में पता होगा, आपको मार्केट्स के बारे में पता होगा, आपको होलसेल और रिटेल के बारे में पता होगा, और प्लस आपको आपके क्लाइंट का अगर फाइनेंशियल स्टेटस भी पता है तो आप उसके हिसाब से कॉस्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपना रीजनेबल प्रॉफिट भी आराम से निकाल सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग जो है, पहले तो आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा है जो आपके अंदर जो हुनर है, जो टैलेंट आप यूज कर रहे हैं इसका, पैटर्न मेकिंग का या डिजाइनिंग का टैलेंट है आपके पास, लेकिन आप वो टैलेंट को बेच कैसे रहे हैं। आप मार्केट में अपने टैलेंट को बेचना आना चाहिए आपको, अगर आप उसको बहुत अच्छा से बेच रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वो टैलेंट आप में नहीं है तो आप डेफिनेटली आउटसोर्स भी कर सकते हैं, ये हेल्प जो है मार्केटिंग के लिए आप अपने पास एम्प्लॉय रख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, ये एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक अलग अलग वीडियोस हम तैयार कर रहे हैं जो टाइम टू टाइम मैं अपलोड करती रहूंगी। इस टॉपिक के अलावा अगर आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन जरूर कीजिए या इनबॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारा वेबसाइट भी दिया हुआ है, काफी डिटेल्स उसमें दिए हुए हैं। आप कुछ भी जानना चाहते हैं हमारे वेबसाइट पे जाइए, उसको देखिए, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमें फोन कीजिए, मैसेज कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।